आप सब लोगों को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि आज का जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है, इसका थीम है सस्टेनेबिलिटी एंड लाइवलीहुड्स। तो मैं आपसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस साझा करना चाहूंगी, जो कि हमने राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन और भारतीय वन्य जीव संस्था के जो प्रोजेक्ट है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन एंड गंगा रिजुविनेशन के अंतर्गत जो हमारा एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। तो देखिए, सस्टेनेबिलिटी का अगर आप मायने पूछें तो उसमें अपने आप में ही उसका मीनिंग ही यही है, वाइज यूज ऑफ रिसोर्सेज इन सच अ वे दैट इट डज नॉट हैम्पर इट्स फ्यूचर अवेलेबिलिटी और इट डज नॉट हैम्पर द अवेलेबिलिटी ऑफ द इकोसिस्टम टू प्रोवाइड इकोसिस्टम सर्विसेज ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो यही थीम को लेकर हम लोगों ने जब गंगा की जैव विविधता संरक्षण की बात करी तो सबसे बड़ा मुद्दा उसमें यही आया कि गंगा के आसपास जो समुदाय हैं, जो लोग रहते हैं, वो गंगा नदी पर अपनी जीविका के लिए निर्भर हैं। और देखिए, जब कोई व्यक्ति अपनी जीविका पर निर्भर होता है तो वो सस्टेनेबल है कि नहीं है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिकॉज लाइवलीहुड इज़ अ शॉर्ट टर्म नीड टू, और ये हमें रियलाइज करना है। तो एक बहुत बड़ा इंटरवेंशन था सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स का, जो कि बहुत आवश्यक है किसी भी इकोसिस्टम को बचाने के लिए, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी हो, चाहे वो क्लिनलीनेस हो, चाहे वो उसकी अविरलता हो। सो दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। तो और जब हम लोगों ने ये सर्वेस करे यहाँ पर आसपास लोगों के और अपने गंगा प्रहरियों का चयन करा तो हमारे पास हर तरह के लोग थे, एजुकेटेड लोग थे, हमारे पास फिशरमैन थे, हमारे पास बोटमैन थे, हमारे पास डेली वेज लेबरर्स थे, हमारे पास टीचर्स थे, लॉयर्स थे, गांव की महिलाएं थीं और यूथ था। तो लाइवलीहुड ऐसा होना चाहिए था जो कि हर एक की रिक्वायरमेंट को मीट करे, उनकी कैपेबिलिटी और कैपेसिटी को मीट करे और साथ साथ उनकी जो ह्यूमन कैपिटल है, उनकी जो स्किल्स हैं, उसको एनहांस करे। और दूसरा, लाइवलीहुड इंटरवेंशन एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी जिसमें कि हम सोसाइटी के डिफरेंट सेक्शंस को, पर्टिकुलरली विमेन को, गंगा के निर्मलता, अविरलता और जैव विविधता संरक्षण के साथ जोड़ सकते थे। तो हम लोगों ने अपने कार्य की शुरुआत इसी से करी कि आइडेंटिफाई करना शुरू करा, और हमें लगा कि बहुत स्कोप है गंगा जी के किनारे। और आप देख सकते हैं कि इतना खूबसूरत जो वाराणसी के घाट है, जहाँ पर कि इतने टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर किसी को ये मालूम नहीं था कि इन्हीं घाटों से आधे घंटे की दूरी पर आप बहुत अच्छे से, और मेरे ख्याल से जैसा कि आप कहीं भी गंगा नदी में देख सकते हैं, डॉल्फिन देख पाएंगे या घड़ियाल देख पाएंगे या तरह तरह के कछुए देख पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा स्कोप था बायोडायवर्सिटी बेस्ड टूरिज्म का। तो गंगा प्रहरियों को इको टूरिज्म में ट्रेन करा गया, जिसमें कि वो वाराणसी और उसके आसपास की जो हिस्टोरिकल और अदर टूरिज्म डेस्टिनेशंस है उसके बारे में तो बताएंगे ही, लेकिन उसके साथ साथ जो गंगा नदी में बायोडायवर्सिटी पाई जाती है उसके बारे में भी लोगों को अवेयर करेंगे। बर्ड, चाहे वो बर्ड्स हों, चाहे वो डॉल्फिन्स हों, चाहे वो उनके कुछ आदतें हों, तो इससे क्या है कि लोगों का बहुत इंटरेस्ट जनरेट होता है। उसके अलावा हमें लगा कि जो एक रिलीजियस जो हमारे पास गंगा के प्रति आस्था है, उसको रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। तो एक हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसका नाम है आस्था से स्वरोजगार तक, उसको हमने खास तौर पे महिलाओं के लिए टारगेट करा, जिसमें कि उनके ही घर के आसपास पाई जाने वाली सामग्री से वो प्रसाद के लड्डू बना सकें, जो कि एक प्रसाद के तौर, और ये पूरे ही एरिया में गंगा बेसिन में हमने कार्य करा है, चाहे वो वाराणसी हो, चाहे वो उत्तरकाशी हो, या हरिद्वार के आसपास के इलाके हो, या साहिबगंज हो, भागलपुर हो, तो इस तरह से महिलाओं को ट्रेन करा। उसके अलावा जो महिलाओं की एक बहुत जरूरत होती है और जो गांव-गांव में अपने घर में रहकर भी वो एक रोजगार अपना कर सकती हैं, जो कि एक सिलाई सेंटर की बात है, और खास तौर पे जब कोरोना का वक्त आया तो बहुत सी महिलाओं ने अपने छोटी छोटी इनकम का सोर्स भी बनाया और लोगों को अवेयर भी करा मास्क बनाने में, और कईयों ने तो अपनी स्वेच्छा से फ्री में इन मास्क का वितरण भी करा। उसके अलावा वापिस में अगर आस्था से स्वरोजगार की तरफ जाओ तो गंगा नदी में बहुत सारे फूल बहाए जाते हैं, और इन्हीं फूलों को इकट्ठा करके महिलाओं को हमने धूप अगरबत्ती की ट्रेनिंग दी। और आज के दिन जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, इस तरह की ट्रेनिंग हमारी बिजनौर में चल भी रही है, तो रिसोर्स अवेलेबल है। उसमें थोड़ा सा स्किल अगर हम लोगों को डाल दें तो उनको बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं करना, अपने घर से बाहर नहीं जाना, और खास तौर पे पहाड़ों में जहां पर कि बहुत सारा आउट माइग्रेशन है रोजगार के लिए, वहां पर अगर इस तरह के छोटे छोटे मौके लोगों को दिए जाएं, और खास तौर पे वैल्यू एडिशन
उनके अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक प्रसाद था, लेकिन इसके अलावा जैसे कि आजकल मिलेट्स के ऊपर बहुत ज्यादा एक फैशन भी है और एक अवेयरनेस आ गई है कि इट इज वेरी हेल्दी। और मिलेट्स कहाँ पाए जाते हैं? इन्हीं एरियाज में पाए जाते हैं। जो मिलेट्स बाजार में 150 रुपए किलो 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, वो गांव के लोग मोटा अनाज समझकर उसको बहुत ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर पाते और ना ही उनको कोई इसका बहुत रिटर्न मिलता है, खास तौर पे हिल स्टेट्स में। तो वहां पर भी हमने एक मुहिम छेड़ी है मिलेट्स के ऊपर, मोटा अनाज स्वस्थ समाज करके अभी हमारी एक मुहिम की तैयारी चल रही है कि जिसमें कि लोग उसमें ना कि अपना स्वास्थ्य ठीक कर पाएंगे बल्कि वैल्यू एडिशन करके उसमें एक लाइवलीहुड जनरेशन होगा, खास तौर पे महिलाओं के लिए। उसके अलावा हमने बहुत सारे ऐसे जो करंट टॉपिक्स थे जिसमें कि हमें लगा कि लोगों के अपॉर्चुनिटीज हैं लाइवलीहुड अर्न करने की, जैसे कि स्वास्थ्य और सौंदर्य, तो महिलाओं को ट्रेन करा गया कि कैसे वो अपने घर के आसपास पाए जाने वाले वस्तुओं से ब्यूटी ट्रीटमेंट्स पे लोगों को अवेयर भी कर सकती हैं और इससे अपने ब्यूटी पार्लर्स चला के अपनी इनकम भी बना सकती हैं। तो इसी तरह से हमारी एक जलज नौका, जो कि हमारी गंगा प्रहरियों की ही नौका थी, वो वाराणसी के ही एक घाट पर खड़ी है, राजघाट पर, और वहाँ पर हमारी एक टीम ऑफ गंगा प्रहरीज है जो कि इको टूरिस्ट गाइड्स हैं, जो कि वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर चलाते हैं उसी नाव पर, कि व्यक्ति अपना गंगा जी पे जब इंजॉय करे बोट राइड, उसके साथ साथ उनको उसकी जैव विविधता के बारे में पता चले, विभिन्न घाटों के बारे में उसको अवेयरनेस मिले और उसके साथ साथ वो ब्यूटी ट्रीटमेंट्स भी ले सके और समझ सके कि गंगा के किनारे जो हमारे एग्रीकल्चर रिसोर्सेज हैं या सिंपल जो हमारे होमस्टेड्स में पाए जाने वाले हर्ब्स हैं या प्लांट्स हैं, उनसे कैसे ब्यूटी का एनहांस करा जाए। उसके अलावा इस बोट में हमारी गंगा प्रहरियों द्वारा बनाई गई सामग्रियां भी हम लोग सेल करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब लोग आते हैं तो वो कुछ भी चीज़ अपने साथ लेके जाना पसंद करते हैं। इसी प्रकार से एक हमारा जलज जो है हमारे गंगा अवलोकन म्यूजियम में भी हमने स्थापित करा है, एक सुवीनियर शॉप के नाम से, जहाँ पे कि उस इलाके, ये हरिद्वार में है चंडीघाट में गंगा अवलोकन, और इसी के अंदर एक दुकान है जलज के नाम से, जहाँ पे कि उस क्षेत्र के गंगा प्रहरियों द्वारा बनाई गई चीज़ों का सेल पॉइंट उसको माना जा रहा है। तो इस तरह से छोटे छोटे, उसके अलावा हमारे जो वेल एजुकेटेड गंगा प्रहरी है, बहुत सारे हमारे गंगा प्रहरी जो है जो बहुत कीन इंटरेस्ट रखते हैं बायोडाइवर्सिटी में, उनका स्किल एनहांसमेंट करा गया है बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड, चाहे वो बर्ड वॉचिंग हो, चाहे वो रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेशन हो, चाहे वो इकोलॉजिकल सर्वेज हो, चाहे वो सोशल सर्वेज हो। तो उसमें हम उनको पैसा नहीं दे रहे हैं गंगा प्रहरी बनने का, लेकिन उनकी ह्यूमन कैपिटल और उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को बढ़ा रहे हैं। तो किसी भी व्यक्ति को अगर गंगा में आज सर्वे करना है तो उनके पास एक रेडीमेड टीम तैयार है या रेडीमेड वहां पे मैन पावर तैयार है, जिसको कि वो वेज बेसिस पे हायर कर सकते हैं या इवन हायर बेसिस पे हायर कर सकते हैं। और आज हमारी गंगा प्रहरी ट्रेन होने के बाद बहुत ही हायर लेवल पे भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग कि इतनी स्किल बड़ी सोशल लीडरशिप में कि वो आज ग्राम प्रधान के रूप में कार्यरत हैं, कुछ लोग पूरे बिहार में आज जो पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए जा रहे हैं वो गंगा प्रहरियों की सहायता से बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो ट्रेन कर दिए गए थे। और आज हमारे को बिहार बायोडाइवर्सिटी बोर्ड ने अप्रोच करा है कि वो प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर भी गंगा प्रहरी को एंगेज करना चाहते हैं, जो कि उस लेवल पर भी उनके बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर बनाए। तो अपने आप में ही उनको इस तरह की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। नेहरू युवा केंद्र में डीपीओस के रूप में हमारे गंगा प्रहरीज आए, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हमारे गंगा प्रहरी बने, ट्रेनिंग के बाद उनका इतना इंटरेस्ट जागरूक हुआ कि वो बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में उनका ऑटोमेटिकली सिलेक्शन होता चला गया एज रिसर्चर्स, एज रिसर्च असिस्टेंट्स, एज प्रोजेक्ट असिस्टेंट्स। कुछ लोगों ने फोटोग्राफी में अपनी महारत हासिल करी और वो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, गंगा जी से रिलेटेड फोटोग्राफी में ही अपने करियर को बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे आयाम ऐसे हैं जिसमें कि हम वो लाइवलीहुड्स लोगों को दे सकते हैं जो कि गंगा नदी के संरक्षण, उसकी अविरलता और निर्मलता पे आधारित हो, रादर देन उसके एक्सप्लॉयटेशन पे आधारित हो। और मेरे ख्याल से इस वर्ष के जो वाइल्ड लाइफ वीक है, इसका लोगो जो है वो इस थीम के साथ बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट करता है और हमें इसी को लेकर आगे बढ़ना है। अपनी सोच में यही सोचना है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स अगर हम गंगा बेसिन से उसको ब्रांड कर रहे हैं, विच इज ऑर्गेनिक, विच हैज बीन मैन्युफैक्चर्ड और ग्रोन विदाउट द यूज ऑफ एनी काइंड ऑफ पेस्टिसाइड्स और केमिकल फर्टिलाइजर्स, इट इज नॉट ओनली गोइंग टू, भले इसका थोड़ा सा प्राइस ज्यादा हो, लेकिन इट इज अ ब्रांड विच इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग
टू द कंटिन्यूटी टू द निर्मलता एंड अविरलता ऑफ आर होलीएस्ट रिवर. सो इट आई थिंक वी कैन ऑल ज्वाइन टूगेदर इन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट एंड टेक इट नॉट ओनली फॉर वन ईयर बट टेक इट एज द बेसिस फॉर फ्यूचर डिवेलपमेंट इन गंगा एंड अर्थ गंगा. थैंक यू.